थैंक यू सोनिया भाभी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो आप सब तैयार है ना मनोरंजन, मस्ती और हंसी मजाक के लिए? तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं द मोस्ट अवेटेड इवेंट ऑफ द इवनिंग बाय महाराष्ट्र जोन। महाराष्ट्र की बात हो और मुंबई की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और माया नगरी मुंबई की बात हो और बॉलीवुड की बात ना हो, नॉट पॉसिबल। अच्छा विद्या दी, आपके फेवरेट डांसर्स कौन हैं? मेरे प्रभु देवा, माधुरी दीक्षित एंड या ऋतिक रोशन भी। ओके, बट एक्चुअली इनमें से कोई भी फ्री नहीं है, तो देखते हैं आरजे काव्या कौन से फ्री सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू ले रही हैं। हेलो हाय आई हाय, दिस इज योर रेडियो एक्टिव आरजे काव्या एंड वेलकम टू माय शो द क्रैकलिंग केजे। और आज गेस व्हाट, मेरे शो पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बॉलीवुड स्टार्स आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे फर्स्ट गेस्ट से, सनी देओल सर। थैंक यू। लेकिन सर आपका हाथ तो 2.5 किलो का था ना? आई नो, लेकिन लॉकडाउन में 1 किलो डाउन हो गया। ओह, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ पापा। पापा? लेकिन मैं तो, अगर मैं हर लाइन के बाद में पापा ना बोलूं तो लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं सनी हूँ। समझी पापा? समझी। खैर, आप एक्टर कैसे बने? क्या बताऊँ, मैं बचपन से डांसिंग और एक्टिंग दोनों करता था। एक बार मैंने अपने पापा से पूछा, पापा मैं एक्टर बनूं या डांसर? तो पापा बोले, बेटे तुम एक्टर ही बनो। मैंने पूछा, क्यों पापा, आपने मेरी एक्टिंग देखी है? पापा बोले, नहीं बेटे, मैंने तुम्हारा घटिया डांस देखा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, सनी इज सो फनी। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं, जिनका इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अन्ना, रहता हूँ 24 घंटे चौकन्ना। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो ऐसे ही निकल जाता है कभी कभी। तो आप बताइए आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? तुम मुझसे ये सवाल पूछ लो, ये हो नहीं सकता। और मैं इसका जवाब दे दूं, ये मैं हारे नहीं दूंगा अंजलि। व्हाट, क्या था ये? ये ऐसे वार्म अप था। खैर, मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई। बचपन में एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सुनील हिस्ट्री की किताब कहाँ है? मैंने बोला, ये धरती मेरी माँ है। बस उस दिन से ये डायलॉग फेमस हो गया स्कूल में और मैं स्कूल प्ले से बॉलीवुड तक आ गया। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलिए अब बुलाते हैं हमारे आखिरी गेस्ट को, हु इज खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार सर। वेलकम सर। थैंक यू। लेकिन आप 15 मिनट लेट कैसे हो? अरे बच्चे की जान लेगा क्या, इतनी बारिश हो रही है, बड़ी बड़ी बातें करवा ली छोटे। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ। ओके, व्हाटएवर, आपकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? वेल, मैं एक्चुअली सिंगर बनने आया था मुंबई में। सिंगर? जी हाँ, और एक प्रोड्यूसर को मैंने गाना भी सुनाया और उसने बड़े प्यार से उठ के बोला, निकल भूतनी के। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया और मैं चढ़ गया दीवार पे, आपको पता ही मेरी आदत, और मैंने उसको फ्लाइंग किक लगा दी। उसको मेरा एक्शन अच्छा लगा और मैं बन गया बॉलीवुड सुपरस्टार। वाओ, क्या कॉमेडी, मतलब क्या कहानी है सर। खैर, लेट्स प्ले अ फेवरेट सॉन्ग नाउ। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग सर? ओह, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं, लेकिन जो डीप मीनिंग वाले लिरिक्स होते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है। जैसे गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। क्या डीप मीनिंग वाला सॉन्ग है, अभी प्ले करती हूँ। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरे शालू। नमस्कार बहनों और भाइयों। अरे अरे अमृता, ये क्या हो गया तुम्हें? बहनों और भाइयों, मुझे पुराना दौर याद आ रहा है। ओहो, तो चलिए तुम्हारे साथ साथ हम सबको ले चलते हैं पुराने दौर में। हाँ
आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपकी सखी वृषाली आप सबका स्वागत करती हूँ गीत माला के इस सुहाने सफर में। आपका जाना पहचाना गीत गूंजा और ये देखिए जाग उठे मधुर और मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। यादों की बारात निकली है आज के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे दिल के द्वारे। भाइयों और बहनों, आज के हमारे इस सुहाने सफर को और भी यादगार बनाने के लिए आ रहे हैं वो शख्स जिनके गीत आज भी हमारे सीने में दिल की तरह धड़कते हैं। कुछ सुना आपने? जी हाँ, जिनका था हमें इंतजार वो शख्स हमारे बीच आ चुके हैं। वो शख्स और कोई नहीं, आपके हमारे हम सब के चहेते गायक किशोर कुमार है। आप ही के अंदाज में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। वाह, वही सुरीली आवाज और वही मजाकिया अंदाज, क्या बात है किशोरदा। वैसे किशोरदा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, अभी दौर चल रहा है रिमिक्स का और आपके भी कुछ सदाबहार गीत जैसे नीले नीले अंबर पर, एक चतुर अनार और बचना ए हसीनो, इनका रिमिक्स बनाया गया है जो आपने वहां से सुनी लिए होंगे, तो आप उन रिमिक्स बनाने वालों को क्या कहना चाहते हैं? अरे देखी तेरी चतुराई, समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई, अरे घोड़े घोड़ा बोला घोड़े देखी। क्या जवाब दिया है किशोरदा ने अपने ही चुलबुले अंदाज में। तो भाइयों बहनों, मैं आपकी सखी वृषाली इसी बात पे आज के इस सुहाने सफर को करती हूँ यही समाप्त। हम मिलेंगे अगले बुधवार इसी समय इसी जगह कुछ नए चटपटी बातों के साथ, पर तब तक के लिए चलते, चलते। विदेहा दी, ये करोना 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 सुन सुन के ना पक गए हैं। चलो कोई नहीं, करोना नहीं पर करोना पे एक पैरोडी सुन लेते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं आरजे पलक के साथ। हमारी थीम है कोरोना, ऐसे लेकर पैरोडी गाने पेश कर रहे हैं। पहला है उमरा अफजान। कोरोना चीज क्या है आप ये जान लीजिए, सरकार का कहा तो जरा मान लीजिए। नेक्स्ट मृत्युदाता। लॉकडाउन भरी रात है, देवों का भी साथ है, घर का तू ले ले मजा, फिर डरने की क्या बात है। ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे। नेक्स्ट है जांबाज। हर किसी को नहीं मिलता रोजगार कोरोना में, खुश नसीब है जिनको मिला वर्क फ्रॉम होम करने। नेक्स्ट है जंगली। एहसान होगा तेरा हम पर, चैन से हमको जीने दो, काढ़ा पी कर जल गए गले, सादा पानी तो पीने दो। नेक्स्ट कवाली। हमें तो लूट लिया प्राइवेट अस्पतालों ने, लंबे चौड़े बिलों ने, दवा के दलालों ने। नेक्स्ट है मैंने प्यार किया। कोरोना जा जा जा, कोरोना जा
जा जा कितने घर उजाड़े तुमने अब फिर वापस ना आ कोरोना जा 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 कोरोना जा 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 नेक्स्ट अनाड़ी सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी तभी तो दुनिया वालों बढ़ गई ये बीमारी नेक्स्ट राजा हिंदुस्तानी पूछो जरा पूछो कहीं कोविड तो नहीं है सब से हाथ मिलाने की सजा है नेक्स्ट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चेहरा छुपा कर रखना मास्क लगा कर रखना चेहरा छुपा कर रखना मास्क लगा कर रखना बाजार में है बैठा दिखता नहीं कोरोना नेक्स्ट दिल कहीं समझ न आए क्या रोग सताए कोई जाए जरा स्लॉट बुक कराए कि जाने कहाँ चैन खो गया कि जाने कहाँ चैन खो गया नेक्स्ट फूल और काटे धीरे धीरे कोविड को भगाना है वैक्सीन तो लगवाना है नेक्स्ट है याराना छूकर मेरे तन को नेक्स्ट है याराना छूकर मेरे तन को किया तूने क्यों मैला बदला अब रिवास कोविड है चमेला नेक्स्ट सड़क कोविड दूर भगाने की कसम खाई है पार्टी यात्रा करने की क्यों खाई है नेक्स्ट गुप्त दुनिया ने कोविड को झेला मत पालो रोगे झमेला टीके लगवा रहे हैं देश बचने के लिए गुप्त गुप्त ये रोग गुप्त गुप्त नेक्स्ट है कल आज और कल आप यहाँ आए किस लिए वैक्सीन डोज लगे इसलिए आए हैं तो लाइन में लग जाइए प्रोटोकॉल्स भी अपनाइए थैंक यू अमृता तुम क्रिकेट देखती हो हाँ कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है हाँ अच्छा खेलता है विराट हाँ वो भी अच्छा खेलता है पर कोहली बेस्ट है चलो इन्हें छोड़ो हम सबको ले चलते हैं नन्हे आरजे साध्य के पास जो क्रिकेट की कुछ अपडेट लेके आए हैं गुड मॉर्निंग जय जुनेद मैं हूँ आपका हॉस्टर दोस्त आरजे साध्य से आपका स्वागत है 94.3 माय एफएम जियो दिल से आज मंडे है और आज इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच होने जा रहा है इंडिया टॉस जीत लिया है और आज कुछ ही क्षण में मैच स्टार्ट होने वाला है आज मंडे है अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो आप मास्क पहनते रहे नाक के ऊपर और सैनिटाइजर से हाथ धोते रहे और इसकी दूरी बनाए रखे देखते हमारा फर्स्ट की कॉलर कौन है हेलो 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 आप कौन बोल रहे हैं मैं नेहा शर्मा बोल रही हूँ इंदौर से अभी आप क्या कर रहे हैं मैं अभी रेडियो सुन रही हूँ मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ पूछिए ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गर्दन है पर सर नहीं मुझे नहीं पता इसका सही जवाब है शर्ट या फिर टी शर्ट ओह अच्छा आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे मैं चक दे इंडिया मूवी का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहती हूँ ये प्यारा सा सॉन्ग हमारी इंडिया टीम के चक दे इंडिया इस प्यारे से सॉन्ग के बाद इंडिया का स्कोर 155 रन पे 4 विकेट हो रहे हैं इंडिया को जीत के लिए 55 रन और चाहिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के शानदार बैटिंग हुई है चार चौके और छह छक्के उड़ा दिए हैं इंडिया टीम ने पाकिस्तान के मैं 94.3 माय एफएम से मैं आरजे साध्य मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद आप घर पर रहें सुरक्षित रहें मास्क पहनते रहें नाक के ऊपर हाथ सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें और जरूर इसकी दूरी बनाए रखें
खंडवा के प्रसिद्ध और टेस्टी बिस्किट्स अब हमारे शहर में भी, तो शीघ्र ही ऑर्डर करें शुद्ध जैन बिस्किट्स, मिलने का एकमात्र स्थान महावीर किराना धामनोत। क्या लगता है तुम्हें ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? मेरे माथे पे मोदी लिखा है क्या जो पूछ रहे हो? अरे वो तो असली मोदी के माथे पे भी नहीं लिखा है। तो आप क्या कहना चाहते हो, मैं मोदी हूँ? अरे तुम क्या कहना चाहती हो, क्या सबके माथे पे नाम लिखा होता है अपना अपना? ठीक है मैं मोदी हूँ, ठीक है मैं मोदी हूँ, हम मोदी हैं और लॉकडाउन जिंदगी भर चलेगा, जाओ। अरे बाबा गुस्सा मत करो, चलो चलते हैं, तुमको असली मोदी जी और यामा हाजी से मिलवाने विद आरजे शिवम। जय जिनेंद्र। तो मैं हूं आपका दोस्त आरजे शिवम, अपने घर से सीधा आप लोगों की स्क्रीन पर। मैं आपको मिलवाता हूँ आज के हमारे गेस्ट गोदी जी और उनके यामाहा के साथ, यामाहा जिन्हें वो प्यार से यामा शाह भी पुकारते हैं। आज यहाँ पे होगी हमारे शो पर संगीत की बात। और मुझे एक और दिलचस्प चीज आज पता चली है, ये समाज जो इतना चमकता है सितारे की तरह, यामा शाह जी ने इस धर्म के नाम पे इस सितारे को टूटते हुए देखकर वचन लिया है कि वो आज झूठ नहीं बोलेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पर आज हम करेंगे उनसे सवाल, जनता के सवाल। आप सभी लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर अपने अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और मैं आप लोगों के क्वेश्चन आज हमारे गेस्ट से पूछूंगा। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट फ्लड हो चुके हैं। बाप रे इतने सारे सवाल, अब मुझे इनमें से कुछ सिलेक्ट करने होंगे। गोदी जी आपके लिए पहला सवाल, जनता जानना चाह रही है कि अर्थव्यवस्था और कोरोना काल में हमने जीडीपी माइनस में भी देखी है और निजीकरण भी हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है, कैसे सरकार इस चीज को संभाल रही है? देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही जिम्मेदार हाथों में है, जनता को चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अगला सवाल। ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में होगा। गोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो 2014 से ही आ चुके हैं। ने सबसे वादा किया था कि आप काला धन वापस लाएंगे, पर एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 13 सालों में अभी स्विस बैंक में सबसे ज्यादा काला धन है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अरे यामा शाह ये तो हम दोनों ने वादा किया था। यामा शाह जी आज हमें लग रहा है कि आपको अपना वचन निभाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अब एक सवाल आरजे शिवांग की तरफ से, आप जैसे कि आज यामा शाह जी झूठ नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या आप झूठ बोलना मिस कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप, हमारी सरकार का झूठ से कभी कोई नाता ही नहीं रहा है, भला झूठ भी कोई मिस करने वाली चीज है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं यामा शाह जी अपने संगीत में खो चुके हैं, अब आ गया है समय अलविदा देने का। पर अलविदा देने से पहले आरजे शिवांग की तरफ से सभी देशवासियों के लिए एक संगीत। जय जिनेंद्र। अमृता रोज रोज लॉकडाउन में क्या बनाया जाए बहुत बड़ी समस्या है। हलवाई की दुकान सरकार खुलने नहीं दे रही और जब तक कोरोना खत्म होगा पूरा देश हलवाई बन चुका होगा, लेकिन फिर भी खाने में क्या बनाना है ये समस्या तो रहेगी ही। देखो आलू हम खाते नहीं हैं, पालक का सीजन है नहीं, भिंडी मुझे पसंद नहीं है,
और लौकी बच्चों को। हाँ हाँ मैं समझ गई समझ गई। ऐसी ही एक समस्या लेकर आ रही है आरजे सोनम, तो चलो उनके साथ चलते हैं देखते हैं। जय जिनेन्द्र नमस्ते। 24.5 जैन एफएम पर आप सुन रहे हैं आप सबकी प्यारी चुलबुली आरजे सोनम को रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आज के इस ताबड़तोड़ टॉक शो में हम बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की, यानी कि घर से काम करने की। तो चलिए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से जो कि है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले अंजड़ से, और जानते हैं क्या रहे उनके नफे नुकसान और अनुभव वर्क फ्रॉम होम को लेकर। हाँ जी आप मुझे सुन सकते हैं, बताइए अपना नाम और शुरू करिए अपने अनुभव। जी मैं अंतिम जैन बोल रहा हूँ और मेरे साथ में मेरी परमानेंट लॉकडाउन है, नाम बताओ अपना। जी मनीषा जैन। और हमारे साथ एक सरप्राइज भी है जो आपको हम बाद में बताएंगे। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि वो सरप्राइज है। अच्छा चलिए बताइए वर्क फ्रॉम होम के आप लोगों के क्या अनुभव है, हम सबसे क्या साझा करना चाहेंगे? वर्क फ्रॉम होम तो हम पहले भी करते थे मैडम, अंतर इतना है कि पहले हमको थोड़ी फुर्सत मिल जाया करती थी तो हम ऑफिस जाके काम कर आते थे। अब ये हो गया है कि ऑफिस जाने का समय पेट्रोल और बॉस की डायरेक्ट डांट से हम बच रहे हैं। डांट तो घर पर आपकी श्रीमती जी भी लगाती होंगी। डांट तो ठीक ही है, कई बार तो ये मुंह पे डांट लगा देती है। और खाना क्या बनाए, ये समस्या तो लॉकडाउन में भी रही है और ये समस्या आज भी है। क्या समस्या हो रही है बताइए? अब देखिए ना मैडम, ये आलू खाते नहीं, मैं खाती तो हूँ लेकिन मुझे आज खाना नहीं है। अब समस्या ये है कि बनाए तो क्या बनाए। क्या बनाए मतलब कुछ भी बना लीजिए। वही तो मैडम, अब देखिए ना मैं आलू खाता नहीं हूँ, ये खाती तो है परंतु इसको आज ही नहीं खाना है। अरे परंतु समस्या कहाँ है? अब देखिए अंतिम जी, आप तो आलू खाते नहीं है और आपकी कंप्लीट लॉकडाउन यानी कि आपकी श्रीमती जी को आज आलू की सब्जी नहीं खानी है, तो मत बनाइए ना, प्रॉब्लम क्या है? वही तो प्रॉब्लम है ना मैडम, अब देखिए ये आलू खाती तो है परंतु इसको आज ही नहीं खाना है, ये तो समस्या रहती ही नहीं कि क्या बनाए। अरे अंतिम जी उनको नहीं खाना है आज आलू की सब्जी तो मत बनाइए ना, इसमें समस्या कहाँ है? समस्या तो है ना मैडम, तभी तो आपसे इतनी बातें कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? आपके हस्बैंड खाते नहीं हैं और आपको आज खाना नहीं है तो कुछ और बना लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही तो बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं खाता नहीं, इसे खाना नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? हमें तो खाना है ना। अब आप कौन हैं? ये मैंने आपको शुरू में कहा था ना मैडम, हमारे साथ एक सरप्राइज भी है, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। समस्या यही तो है कि मैं खाता नहीं हूँ, इसको आज नहीं खाना है लेकिन इनको आलू सब्जी खाना है आज। मतलब आज आप सबने मुझे मुर्गा बनाया। वो क्या है ना मैडम कि अंतर्राष्ट्रीय पोरवाड़ जैन सामाजिक मंच के महाराष्ट्र जोन ने मैं भी रेडियो जाकी नाम की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, तो हमने सोचा हमेशा सबको मुर्गा बनाने वाली फेमस रेडियो जाकी को क्यों न हम मिलकर मुर्गा बनाए, तो इसीलिए हमने आज ये सब किया था। और मैडम अगर हमारा इसमें नंबर लग गया तो हम आपको जरूर घर पर खाने के लिए बुलाएंगे। लेकिन आप तो आलू खाते हो ना। अमृता हमारे पोरवाड़ समाज ने कितनी तरक्की कर ली है ना, सारे विश्व में फैले हुए हैं पोरवाड़ी। हाँ सच में, देखो ना पहले क्या लिखते थे, भसलाए वाले, टेमी वाले, रेवाड़ा वाले, मुझे लगता है आगे चलकर लिखेंगे पबजी वाले, टिकटॉक वाले, जैगवार वाले। सच में, चलो चलते हैं आरजी अश्मी के पास जो विभिन्न प्रांतों के पोरवाड़ी से मिलवाने वाली है। ओके। जय जिनेन्द्र पोरवाड़ी, आप सुन रहे हैं 98.3 एफएम से आपकी अपनी आरजे अश्मी जैन एजे को। किसी ने बड़े कमाल की बात की है, जिंदगी खुशियों का गीत है, हम सबका यही तो मीत है, जी भर के जी लो हर लम्हा दोस्तों, हर धुन में बजता संगीत है। हमारे भारत देश की यही तो खास बात है, जितना सतरंगी संगीत उतने ही अतरंगी लोग, और जहाँ भाषाओं में प्रदेशों में हमारे देश को बांटा गया है वहीं संगीत ने इसे जोड़े रखा है।
आज किसी महाराष्ट्रियन के मुंह से संधु या रंधवा के गाने सुनना शॉकिंग नहीं होगा। अच्छा ये सुनिए, केंद चूड़िया केंद कंगना हां जी पै गई तोड़ी साजना। ओके ओके सॉरी फॉर द क्रिंज। तो अच्छा, जिस चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था उस चीज का आगाज करते हैं। तो आज का हमारा शो है बीट पे भूती वियरिंग इंडियन जूती। कहा था ना सब कुछ अतरंगी होगा। तो लीजिए आज हम हमारे पहले कॉलर को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो जी, मैं 98.3 एफएम से आपकी अपनी आरजे अश्विन एजे बोल रही हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं कांता भाई बोलते हैं जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप अभी पल्ला पहुंचे। अच्छा, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप हमारे लकी कॉलर्स में से एक है और इस समय आपको हमारा पूरा भारत सुन सकता है। अच्छा लीजिए, आपके लिए स्पेशल पेश है हमारा सॉन्ग। आत्मा की शुद्धि करता है समय सार, भव से पार करता है समय सार, रोज पढ़ो सुबह शाम समय सार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे शो पे बीट पे भूती वियरिंग इंडियन जूती पर। तो लीजिए हम हमारे नेक्स्ट लकी कॉलर को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, मैं 98.3 एफएम से आपकी अपनी आरजे अश्विन एजे बोल रही हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी जी, लवली लवली जी। हाँ जी, साड़ा नाम लवली सिंह चड्डा है जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? आज जी साड़ा पिंड जलंधर है जी। अच्छा, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप हमारे लकी कॉलर्स में से एक है और इस समय आपको पूरा हिंदुस्तान सुन सकता है। आज सच्ची जी खूब चंगा जी। ओ बल्ले बल्ले रहो परविंदर जसविंदर जोगिंदर, रेडियो चालू करो जी। अच्छा लीजिए, तो आपके लिए पेश है हमारा स्पेशल सॉन्ग। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज के हमारे इस अतरंगी शो पर बहुत मजा आया होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए इसी समय इसी जगह आरजे अश्मि जैन एजे के साथ। जय जिनेन। उफ, ये कोरोना में कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है ना। सच में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से हम कितना परेशान है, हालांकि ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। अरे ये तो ठीक है, पर मुझे तो मेरी कार को डेली कुत्तों की तरह मॉर्निंग वॉक पे ले जाना पड़ता है। चलिए ऐसी ही एक प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं आरजे विभोर, पर ये प्रॉब्लम ऐसी है जो पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं होती है, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे लिसनर्स, शाम के 5 बज रहे हैं, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त रेडियो वाला लेके वही सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं कुछ हल्के फुल्के मुद्दों के बारे में जो ऑब्वियसली पार्लियामेंट में तो डिस्कस होते नहीं है। उसके साथ हम बजाएंगे कुछ आपके फरमाइश के गाने और एंटरटेन करेंगे अपने आप को टू द फुलेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं वही सेगमेंट। खास तू यहाँ वहाँ खास, देखो फैलेगा कोरोना होगा बुरा हाल। रेडियो वाला आया मुँह पे मास्क तो डाल, रेडियो वाला आया निकला दूसरा ये साल। दोस्तों आप सब ने जिंदगी में कभी ना कभी तो लोन लिया ही होगा, अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए या एजुकेशन के लिए। लेकिन मैंने कभी लोन नहीं लिया। देखिए बात ऐसी है कि घर खरीदने का पैसा और औकात तो मेरी है नहीं,
आप लोगों को मुझे देख के समझ आ ही गया होगा कि एजुकेशन भी इस बंदे ने कुछ खास की नहीं है कि उसको उसके लिए लोन लेना पड़े। लेकिन आज जब मैं आरटीओ में खड़ा था अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तब मुझे एक बात रियलाइज हुई कि यार अब तो लेना पड़ेगा लोन, अब तो जरूर लेना पड़ेगा लोन। और मैं भागा भागा पहुंचा सीधा बैंक। वहां जाके मुझे पता चलता है कि यार जो लोन मुझे चाहिए वो ये बैंक तो देता ही नहीं है। इनफैक्ट ये लोन कोई भी बैंक नहीं देता। आप सोच रहे होंगे कि मैं कार लोन की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, गाड़ियां तो मेरे पास है, वो भी चार। मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल लोन की, क्योंकि 110 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल मुझे जरा जमा नहीं। तो अब आप बताइए मैं क्या करूं। अपने सुझाव लिख के भेजिए अपने एक फेवरेट गाने के साथ 1800 110 110 पे, और मैं बजाऊंगा आपके वो फरमाइश का गाना और करूंगा आपसे कुछ गपशप। हेलो, रेडियो वाला विभोर, मैं बेलारी से शिखा बोल रही हूँ। मेरा सुझाव यह है कि 1 लीटर पेट्रोल के दाम पर तो 2 लीटर दूध आ जा रहा है, तो क्यों ना 2 लीटर दूध पिया जाए और साइकिल चलाई जाए। मेरे फरमाइश का गाना है सोनी साइकिल। धन्यवाद शिखा जी, पेश है आपकी फरमाइश का गाना ये। साइकिल साइकिल वो मारी सोना नी साइकिल, साइकिल पर बसी नमी तसी उतरंवा। विनया दी, मैं सोच रही थी। हाँ हाँ, कभी कभी ये काम भी कर ही लेना चाहिए। अरे सुनो ना। सुनाओ ना। आदमी और औरत, इनके बीच में बेटर कौन है? वैसे ऑब्वियसली औरतें, बट आपका क्या व्यू है? तुम्हारे इस सवाल के लिए हम चलते हैं आरजे अंजलि के पास, जो आदमी और औरतों के बेसिक डिफरेंसेस से हमें आत्मसात करवाएंगी। ओके। गुड मॉर्निंग इंदौर, मैं हूँ आरजे अंजलि और आज के इस प्रोग्राम में मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे पुराने गाने और आपके बुलबुले प्रश्नों के चुलबुले जवाब। तो लीजिए देखते हैं कि पहला प्रश्न किसका है। हेलो। हेलो। हाँ जी अंजलि जी। जी मैं प्रदीप चौधरी बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बोलिए। मेरे मन में हमेशा एक बात आती है। जी। धरती पर पहले कुछ नहीं था। जी। तब भगवान ने पहले आदमी को बनाया। जी बिल्कुल। और फिर औरत को बनाया। जी। यही बात सही है ना? हाँ, अरे आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान ने पहले आदमी को बनाया और फिर औरत को बनाया। आदमी हमेशा यही सोचते हैं कि हम आदमी पहले होते हैं, परंतु इस बात के लिए मैं आपको एक तर्क देती हूँ कि भगवान ने पहले आदमी को क्यों बनाया और फिर औरत को क्यों बनाया। जब हमारे घरों में छोटा बच्चा होता है और हम उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उसे लिखना नहीं आता। जब उसे लिखना नहीं आता तो उसकी टीचर कहती है कि बेटा रफ कॉपी में लिखो। जब वह रफ कॉपी में लिखता है ढंग से नहीं लिख पाता है, परंतु लिखते लिखते वह ढंग से लिखना सीख लेता है। और जब वह ढंग से लिखना सीख लेता है तब टीचर उसे कहती है कि बेटा फेयर कॉपी में लिखो। तो बस ऐसा ही भगवान के साथ हुआ। जब भगवान को ढंग का इंसान बनाना नहीं आता था तब भगवान ने आदमी को बनाया, और फिर जब उसे ढंग का इंसान बनाना आ गया बनाते बनाते, तब उसने औरत को बनाया। और फिर आपको तो पता ही है कि औरत फिर कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बनाई। तो यही आपके प्रश्न का जवाब है। अंजलि जी। जी। जब हम पुराने समय की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बात भी पूछ लेता हूँ कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। जी। आज भी हर आदमी को 3 शादी करनी ही चाहिए। बिल्कुल कर लेनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल कर लेनी चाहिए। यदि आदमी शादीशुदा है तो उसे 2 शादियां और कर लेनी चाहिए। परंतु यदि हम पुराने समय की बात कर रहे हैं तो मैं फिर आपको बता दूं कि पुराने समय में एक द्रौपदी भी थी जिसके 5 पति थे। तो अब बताइए कि अब आप क्या कहते हैं, पुराना समय अच्छा था या अभी का समय अच्छा है? अच्छा, आप ये तो मानेंगे ना कि आदमियों का दिल बड़ा होता है? जी जी बिल्कुल, इस बात को मानेंगे कि आदमियों का दिल बड़ा होता है और औरतों का दिल छोटा होता है, क्योंकि औरत के दिल में या तो उसका भगवान रहे या उसका पति रहे, परंतु आदमियों के दिल में मलाइका अरोरा भी रहे, कैटरीना कैफ भी रहे, सामने वाली भाभी जी भी रहे, बगल वाली पड़ोसन भी रहे, और अपने सारे दोस्तों की पत्नियां भी रहे, आदमी का दिल तो धर्मशाला जैसा होता है, जो चाहे वो आए, जब तक चाहे तब तक रहे। बिल्कुल अंजलि जी। जी बिल्कुल। मेरा एक आखिरी प्रश्न। जी बिल्कुल पूछिए। मैंने आपकी तस्वीर देखी है। जी जी। आप हमेशा चश्मा क्यों लगाती हैं? हाँ, चश्मा लगाने का भी एक कारण है।
चश्मा लगा कर रखना पड़ता है क्योंकि कुछ उसके पीछे कारण बनते हैं। चार पंक्तियों में मैं उस कारण को आपको बताती हूँ कि बड़े जतन से काजल से इन्हें सजा रखी है। बड़े जतन से काजल से इन्हें सजा रखी है, हमने आंखों को झीलें बना रखी है और आपसे दीवाने इन झीलों में न कूद पड़े, इसलिए एक दीवार शीशे की उठा रखी है। तो लीजिए आज का ये प्रोग्राम था जिसमें मैं थी आपकी आरजे अंजलि और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले प्रोग्राम में मैं फिर आपसे बहुत सारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करूंगी। तब तक अलविदा, शब्बा खैर, नमस्कार। जैसा कि हम बात कर रहे थे कोरोना में कितने प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। हाँ, और उनमें से एक बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन स्कूलिंग। सच में इससे तो बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स सभी परेशान हैं। लेट्स ट्यून इन विद आरजे पूर्वा, देखते हैं वो क्या पर्सपेक्टिव लेके आई हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्ते। आप सुन रहे हैं 93.4 FM और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्यारी पूर्वा। सुबह के बजे हैं 10 और स्वागत है आपका हमारे शो बातों बातों में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के कारण लग रही है बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में हमारे लिसनर से। तो आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर से उनके ख्याल। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं स्पर्श बोल रहा हूँ। स्पर्श, बड़ा ही दिल को छूने वाला नाम है। कहाँ से बोल रहे हैं आप स्पर्श? मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ। ओह, उज्जैन, महाकाल की नगरी। बताएं स्पर्श, कैसे चल रही हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस से तो मैं तो हो गया हूँ बड़ा परेशान। ऐसा क्यों? दिन भर बस क्लासेस, उस पर टीचर्स का नेटवर्क भी अच्छे से नहीं मिलता और जब हम बच्चे बात करने लगते हैं तो हमें पड़ती है दांत। ओ, एक बार तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? टीचर का वीडियो ऑन था और उसका बेटा पिज्जा खा रहा था। ओ, इसका मतलब आपको भी मुंह में पानी आया होगा। हाँ, और मैंने मासूमियत में उनसे पूछ भी लिया मैडम कौन सा पिज्जा है। ओ, फिर क्या हुआ स्पर्श? मेरे को टीचर से लेकर मम्मी तक दांत पीली। ओके, तो बताएं स्पर्श, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे आप? मैं सुनना चाहूंगा छोटा बच्चा जान को लेकर कोई आंख दिखाना है। ओ, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, बहुत ही प्यारा सॉन्ग। तो ये सॉन्ग स्पर्श आपके लिए। जान के ना कोई आंख दिखाना रे, ये थी ऑनलाइन क्लासेस की कहानी स्पर्श की जुबानी। था टीचर्स का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना, हुआ ये किस्सा पुराना क्योंकि अब है मोबाइल का जमाना। मिल जाते हैं मोबाइल पर ही गुरुजी और कहते हैं वहां से पढ़ाई करो शुरू जी। अब टीचर्स का डांटना भी बच्चों को करता है बड़ा प्रसन्न क्योंकि उन्हें चुप कराने का उनके पास है बटन। सो लिसनर्स, इट्स टाइम टू से बाय बाय, जय जिनेंद्र। कल सुबह आपकी ये होस्ट एंड दोस्त प्यारी पूर्वा फिर से मिलेगी आपको इसी समय 93.4 FM पर। वाव अमृता, पता है यहाँ मुंबई में इतनी जोरदार बारिश हो रही है। अच्छा, रात का समय है वरना आपको गर्मा गर्म भजिया खिलाते हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं आरजे आदि और आशी के पास उनकी गर्मा गर्म चटपटी खट्टी मीठी बातें सुनने के लिए। Okay. Hey ya peoples, this is RJ Ashi signing in and you are watching me on 98.3 Radio Mirch. It's hot. So peoples, मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना और बारिश वाला। इस मौसम में मजा आता है हमको गर्मा गर्म पकड़े, उफ गर्म है बहुत, और एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ। So peoples, और अगर इसके साथ में हमको मिल जाए एक अच्छा सा बारिश वाला गाना तो लेवल ही अलग हो जाता है उसका।
तो चलिए हम ऐसे ही एक गाने की शुरुआत करते हैं और आपको भी सुनाते हैं। मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंद तुझे ही तो ढूंढ। सो पीपल्स, मौसम हो रहा है काफी अच्छा बट बहुत ही बोरिंग और बहुत ही लेजी सा भी। और आज संडे, और संडे तो बोरिंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सो संडे को एक फन डे बनाने के लिए मैं बुलाती हूँ आरजे आदि को फॉर सम कॉमेडी एंड जोक्स। So people, so, here is Adi for some comedy and jokes. So the first joke is to be like, एक teacher बच्चे से पूछता कि बच्चे यानी पप्पू, पप्पू monkey को हिंदी में क्या बोलते हैं? तभी पप्पू बोलता बंदर बोलते हैं। Teacher बोलता book में से देख के बोला ना, अभी आता हूँ। तभी पप्पू बोलता नहीं नहीं सर, कसम से मैंने तो आपके मुंह को देख के बोला। So this was the first joke. तो अभी मैं second joke नहीं बोलने वाला। इस पिछले वाले joke के साथ हो जाए एक comedy सी शायरी। तो शायरी कुछ इस प्रकार से है। बैठ कर टॉयलेट में नवाब के जैसे। वाह। ठंडी के मौसम में मैं सोचता हूँ ऐसे। ये बेटे कर तो लिए तूने, अब ठंडे पानी से धोएगा कैसे। सो हम हमारा आज का पहला कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, हाय, हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम श्रेया है, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। हेलो श्रेया, आप अपना सॉन्ग कौन सा सुनना चाहेंगे हमें बताइए प्लीज। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या। हमारे सेकंड कॉल की तरफ जाते हैं। हेलो, सो आपका नाम है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम रोहन है और मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। ओके, सो आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे? स्टूडेंट ऑफ द ईयर का रट्टा मार। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रट्टा मार। ओके, थैंक यू। तो इसी दूसरे कॉल के साथ हमारे आज की कॉल इस एपिसोड के यहीं पे खत्म होते हैं और एक आखिरी जोक के साथ में आज का हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है विद आरजे आदि। तो द लास्ट जोक ऑफ दिस एपिसोड इज, एक टीचर विद्यार्थी से बोलता है कि एक पंचभुज काज मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। तभी विद्यार्थी का जवाब सुनिए, मुंशी दास मूतन गए मूतन लग गए पाद पादत पादत ही गयो एक पंत दुई काज। तो इसी जोक के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब मिलेंगे हम आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में अगले संडे, और इसी के साथ बने रहिए हमारे 98.3 रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट। तो दिस इज आरजे आशी एंड आरजे आदि साइनिंग आउट। अर्ज किया है इशाद, ऐसी यादगार शामें यूं ही होती रहें, ऐसी यादगार शामें यूं ही होती रहें, दर रोज हमारी बात यूं ही होती रहे, कोई बहाना हम ढूंढे कोई वजह आप, हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। अरे वाह वाह, क्या बात है। सो ओवर टू सोनिया एंड सुमित।